Hello children, welcome back. I hope so you're all good and safe and must be learning at your homes. So today, let's see what you're going to learn. You're going to learn about long vowel sounds of A, E, I, O and U. Okay, so first we will see long vowel sound of A. This is long vowel sound of A. Okay? Long A sounds as in the word late. Okay? Look at each picture and speak the word under it. Before this, long vowel sound of E, E, I, O and U. How many type of sounds we are learning? We are learning two types of sounds. Okay? First one is short sound and next one is long sound. Okay, in short sound what you are learning, like two or three letter words. Two letter words like am, is, okay, an, at, like this. Okay, and another is three letter words like this one, J-A-M, jam. Okay, next, C-A-P, cap, P-E-T, pet, B-A-T, bat. Okay, these are like CVC words. Now, what are CVC words? CVC words are consonant, vowel, and then consonant. आपने CVC words कब पढ़ा है? जब आप LKG या UKG में होते हैं, तब आप ऐसे पढ़ते हैं, A, M, AM, E, S, IS, ऐसे. फिर आप जब इसको जोड़ के पढ़ते हैं, तभी कैसे बनता है? J, A, M, जोड़ के क्या बनेगा? Jam. K, A, P, जोड़ के क्या बनेगा? Cap. तो ये क्या हुआ? CVC words हुआ. Consonant, vowel and then consonant. यही मैंने यहाँ बताया. Consonant, vowel and consonant. Okay? So, this was your short sound. Now, coming to your long sound. Now, long sound, what is long sound? जो long sound होता है, उसको हम as it is पढ़ते हैं, जैसे कि वो लिखा होता है. Now, first example is yours is spelling C-A-G-E, cage, D-A-T-E, date, G-A-T-E, gate. देखो, हमने इसको कैसे pronounce किया था? Cage, date, gate. इसमें कौन सा word लंबा pronounce हो रहा है? A. A को हम सब में लंबा खींच रहे हैं थोड़ा. फिर से cage. इसमें क्या सुनाई दे रहा है? A. Cage. Date. A. Gate. A. Okay. जो भी sound हम जब भी words को हम
बोलते हैं या जो भी साउंड उसमें लंबा प्रोनाउंस होता है या आता है तो वो होते हैं लॉन्ग वॉवल साउंड्स। इसमें हम देखो, इसमें हम क्या कर रहे हैं, ए को हम लंबा पढ़ रहे हैं, केज, डेट, गेट, ओके। तो ये हुआ लॉन्ग साउंड ऑफ वॉवल ए, ओके। वैसे ही अगर हम बुक में देखें, अगर हम बुक में देखें, केज, डेट, गेट, प्लेट, स्लेट, पेन, मेन, एज, तो इसमें सब में ए को हम कैसे पढ़ रहे हैं, ए को लंबा पढ़ रहे हैं, ओके। वैसे ही आपका आता है लॉन्ग वॉवल साउंड ऑफ ई, ओके। लॉन्ग ई साउंड्स एज इन द वर्ड ही, जब हमने ही पढ़ा तो ई कैसा जा रहा था, लंबा, हम ई को लंबा पढ़ रहे थे, ठीक है। वैसे ही लुक एट ईच पिक्चर एंड स्पीक द वर्ड अंडर इट। फर्स्ट वन इज ई, एच ई, ही, ही, ई को लंबा पढ़ रहे हैं, शी, ई को लंबा पढ़ रहे हैं, वी, यहाँ पर भी क्या प्रोनाउंस हो रहा है ज़्यादा लंबा, लंबा अक्षर कौन सा जा रहा है, ई, ओके। नाउ नेक्स्ट, लॉन्ग वॉवल साउंड ऑफ आई, ओके। नाउ लॉन्ग आई साउंड्स एज इन द वर्ड आईज, यहाँ पे आई को हम लंबा पढ़ रहे हैं, ठीक है। वैसे ही हर एक पिक्चर को जब हम देख के, वर्ड को देख के पढ़ेंगे तो हमें आई की साउंड ज़्यादा लंबा सुनाई देगा, ठीक है। पहला है बाइट, बाइट, लाइम, काइट, लाइन, माइस, नाइन, तो इसमें क्या हम लंबा पढ़ रहे थे, आई की साउंड को, तो हमें आई का साउंड ज़्यादा सुनाई दे रहा था, तो ऐसे में क्या होगा, इसको क्या कहेंगे हम, लॉन्ग वॉवल साउंड, जिसको हम एज इट इज पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज लॉन्ग वॉवल साउंड ऑफ ओ, वैसे ही इसमें भी देखेंगे कि ओ का साउंड इन वर्ड्स में कैसे आता है, ठीक है, उसको हम कहेंगे लॉन्ग वॉवल साउंड। नाउ लॉन्ग ओ साउंड्स एज इन द वर्ड रोड, जब हमने रोड को पढ़ा तो क्या सुनाई दे रहा था ज़्यादा, ओ, ठीक है। बोन, ओ सुनाई दिया, पोल, ओ, डोम, नोट, होम, रोप, जब भी हम किसी वर्ड को प्रनाउंस करते हैं तब यहाँ पे किसकी लेटर का साउंड ज़्यादा सुनाई देता है हमें, वॉवल्स का, इसमें हमें क्या सुनाई दे रहा है, ओ, ठीक है। वैसे ही आता है आपका यू, लॉन्ग वॉवल साउंड ऑफ यू। अब जब हम इसमें वर्ड्स को पढ़ेंगे तब हमें यू का साउंड सुनाई देगा, लॉन्ग यू साउंड्स इन द वर्ड ड्यूप। फर्स्ट ड्यून, यू सुनाई दिया, म्यूल, फ्यूल, ड्यूल, क्यूब, ट्यूब, अब इसमें हमें
पढ़ने के बाद कौन से साउंड वॉवल साउंड सुनाई दे रहा है? यू का साउंड सुनाई दे रहा है। तो ये हुआ आपका लॉन्ग वॉवल साउंड ऑफ यू। जब भी हम किसी वर्ड को पढ़ते हैं जिसमें भी जो भी वर्ड का साउंड ज़्यादा आता है वो होता है लॉन्ग वॉवल साउंड। ओके, यहाँ पे सब हमने वॉवल्स की बात की है तो यहाँ पे आपको सिर्फ वॉवल्स सुनाई देगा। ठीक है, ये आपके हुए लॉन्ग वॉवल साउंड। ओके।